आएगा नहीं, आ गया है, आ गया। पर अक्टूबर के महीने में क्या ऐसा खास है? अक्टूबर के महीने में शुरू होती है दिल्ली में सर्दी का मौसम, कुछ ज्यादा ही हो गया। और धुंध की काली चादर दिल्ली को ढक देती है और यहां की फिजा बिगाड़ देती है। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की, जो बढ़ जाता है दिल्ली से सटे राज्यों में चावल के स्टबल यानी कि जो अवशेष रह जाते हैं उसको जलाने से पैदा हुए धुएं के कारण। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है चावल की फसल की कटाई। अक्टूबर का महीना है और यहाँ पे चावल की फसल पक के काटने को तैयार है और आपको गेहूँ की फसल 15 दिन बाद लगानी है। जाहिर सी बात है, जब तक ये हटेगी नहीं तब तक ये होगी नहीं और आपके पास समय है बहुत कम। फसल कटनी है, खेत साफ होना है और गेहूं और आलू की फसल कटनी भी है और आपके पास है सिर्फ 15 दिन का समय। शुरू होता है अब। अब इसका क्या करा जाए? अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। मतलब समस्या शुरू होती है चावल का खेत काटने से। पहले जब कटाई होती थी तो बचा हुआ जो हिस्सा है उसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए या जानवरों के बाड़े को गर्म रखने के लिए या घर को गर्म रखने के लिए भी होता था। चावल की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच में टाइम बहुत कम हो गया है, इसीलिए हार्वेस्टर और थ्रेशर का इस्तेमाल होने लगा है। थ्रेशर काम तो जल्दी कर देते हैं पर अपने साथ एक बहुत बड़ी समस्या लेके आते हैं, वो बहुत बड़ी वेस्ट अपने पीछे छोड़ देते हैं। मेरे पास माँ है। पर उसके पास वक्त, पैसा और लेबर तीनों ही नहीं होती, तो सबसे आसान चीज किसान के लिए पड़ती है, उसको जला देना। पर कुछ लोग हैं जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ चावल के खेतों में आग लगती है और धुआं होता है और वह धुआं जो है दिल्ली में धुंध का बड़ा कारण बन जाता है। पराली को जलाने से सिर्फ प्रदूषण ही नहीं होता है, जमीन को भी नुकसान पहुंचता है, इनके न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और माइक्रोबायल एक्टिविटी को भी नुकसान पहुंचता है और जमीन की प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है। वजह की एक बात यहाँ ये है कि ये कानूनी रूप से अवैध है, यानी कि उसको जला नहीं सकते। फिर भी पंजाब में लास्ट ईयर जो है वो लगभग 98 लाख टन और हरियाणा में लगभग 12 लाख टन जो पराली है यानी कि जो चावल के अवशेष बचे थे उनको जलाया गया। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। अरे बाप रे बाप, क्या हाल कर दिया दिल्ली का ही नहीं आसपास के सारे इलाके का भी ऐसा ही हाल कर दिया। अब इतने धुएं में सड़क, रेल और हवाई यातायात के चल सकते हैं? एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे। चावल का स्टबल यानी पराली जलाने से 13 किलोग्राम पीएम, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें निकलती हैं। अभी इन गैसों का हमारी शरीर से कोई दोस्ती तो है नहीं, अंदर जाती हैं तो वहां लंग्स की वाट लगा देती है। दिल्ली में होने वाले टोटल पोल्यूशन का 50% का कारण है ये चावल की स्टबल जलाना। इससे जो ये जो पॉल्यूटेंट है वो 50% तक बढ़ जाते हैं। इस साल कोरोना वायरस भी चल रहा है और वो भी लंग्स को इफेक्ट करता है, तो उन लोगों के लिए रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी समस्या बढ़ा देगा जिनको कोई लंग्स की एग्जिस्टिंग बीमारी है। चावल भी किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय फसल है, इसलिए क्योंकि चावल पे भी MSP मिलता है यानी कि सरकार गारंटी प्राइस देती है, तो किसानों का जो नुकसान है वो कवर हो जाता है, इस वजह से किसान उसको लगाते हैं। इसको चाहिए जमीन से बहुत सारा पानी और साथ ही साथ ये ग्रीन हाउसेस गैसेस भी निकालता है, मतलब बहुत ज़्यादा चावल की खेती हमें नुकसान ही करेगी। बहुत सारी मशीन्स को ट्राई किया गया इस स्टबल को निपटारा करने के लिए। हैप्पी सीडर्स दोनों काम करती है, यानी कि बीज बोएगी भी और उससे पहले जो स्ट्रॉ है उसको निकालेगी भी, पर इसके साथ एक समस्या ये है कि इसके बीज जो बोए हुए हैं वो अंकुरित कम होते हैं, इसी के कारण 2 साल के अंदर बहुत सारी डंप की जा चुकी है। नंबर 2 है स्ट्रॉ बेलर। ये मशीन क्या करती है कि कॉम्पैक्ट बेल्स बनाती है यानी कि ब्लॉक बना देती है और बाद में जो ब्लॉक है ये बांस के बायोमास पावर प्लांट में या कार्डबोर्ड फैक्ट्री को बेच देते थे। ये मशीन भी बहुत ज़्यादा नहीं चली क्योंकि इसकी स्लो होने की वजह से ये 1 एकड़ के लिए 1 घंटा लेती थी और सिर्फ 12 से 15 क्विंटल बेल्स ही बनाती थी। इसी मशीन है चॉपर। चॉपर स्ट्रॉ को चॉप कर देता है और पूरी फील्ड में फैला देता है, 2 दिन बाद ही उसे जमीन में मिलाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि ये किसी भी 45 से 50 HP ट्रैक्टर से चलाया जा सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने एक्सीलरेटेड स्ट्रॉ डिकम्पोजिशन प्रोसेस बनाई है जिसका नाम पूसा है। ये क्या करता है कि बहुत तेजी से जो बचा हुआ स्ट्रॉ है उसको खाद में बदल देता है और जब ये जमीन में मिलती है तो उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देती है
जिससे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। बायोचर भी कर सकते हैं, यानी कि इनको भट्टी में जलाकर फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि पैडी का सीजन छोटा कर दिया जाए। छोटा कैसे होगा? छोटा होगा कम में पकने वाली वैरायटी, जैसे पूसा बासमती 1509 और PR 126 जैसे वेरिएंट जो है, अगर हम इसको बोएंगे तो ये फसल सितंबर के तीसरे हफ्ते में काटी जा सकती है। इससे गेहूं की फसल बोने में जो हमें समय मिलता है वो बढ़ जाएगा और हम राइस डबल का सही ढंग से निपटारा कर पाएंगे। दावत करना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि छोटे और जो मार्जिनल किसान हैं उनको सरकारें 100 रुपये पर क्विंटल दें स्टबल को मैनेज करने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मशीन की ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको भी उनको वहन करना पड़ेगा। सरकारों ने अपनी तरफ से बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की है जिसमें उनको सब्सिडी भी दी है और बोनस का भी अनाउंसमेंट किया है, पर उसके बाद भी इतने सारे लोग जला क्यों रहे हैं? जाहिर सी बात है कि उसका फायदा बहुत सारे किसानों को अभी तक नहीं मिला है, जिसकी शिकायत जो किसान भी करते हैं। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, स्टबल को जलाने के लिए फाइन भी रखा गया है, पर उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल काम है। लगभग 6 करोड़ के फाइन में से सिर्फ अभी तक 1,00,000 रुपए जमा हुए। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। मानते हैं कि चावल से डाइवर्ट करके प्रोटीन रिच फसलें जो हैं उनको उगाने से हमें फायदा मिल सकता है। उससे हमारे यहाँ की प्रोटीन की जो मालनरिशमेंट की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। सरकार को मिनिमम प्राइस की गारंटी भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। जो राइस स्टबल है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है बायोगैस प्लांट में, क्रॉस ब्रीड गायों के नीचे बिछाने में, जिससे उनकी हेल्थ में भी सुधार होगा और दूध भी बढ़ता है। बायो मैन्योर की तरह इस्तेमाल करके खेत की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा सकते हैं। पेपर बनाने में, बायो ऑयल बनाने में, जिसमें SO2 नहीं निकलता है और NO2 की मात्रा भी बहुत कम होती है। किसानों को ज़्यादा मात्रा में एजुकेट करके, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये समस्या बड़ी है, का समाधान भी बड़ा ही देखना पड़ेगा। ऐसा समाधान जिसमें हम सबको इंक्लूड कर सकें और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल सकें। आपदा को अवसर में बदल दिया। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हमारे बार करते हैं, अपने चैनल की मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।